इस दिन के लिए नहीं कि तुम एनआरसी सीएबी लाकर हमें देश से बाहर करोगे। उस समय सावरकर नहीं आए थे लड़ने के लिए, हमारे उलमा अकरामों ने फांसी का फंदा चुमा था। ये अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के बाप का ये मुल्क नहीं है। जो लोग एनआरसी के जरिए हमें कह रहे हैं विदेशी हैं, घुसपैठिया हैं, उनके बाप का मुल्क नहीं है भाई साहब। 800 बरस तक मुसलमानों ने इस देश में राज किया, लेकिन हमारी हंडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चीलम खोर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दारू बाज प्रधानमंत्री गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह जो 6 महीने का तड़ी पार रहा है, इसके लिए कोई बिल लेकर ले आकर इसको देश से बाहर करना चाहिए। रीना ठाकुर को देश से बाहर करना चाहिए, प्रदीप जोशी को देश से बाहर करना चाहिए, जो देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, लगातार बिगाड़ रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री तो जान ही रहे 3,000 लोगों को हत्या रहा है, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर दें। लेकिन बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सनक में मत रहो, वरना अगर हम अपने पर आ गए फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने क्या किया था मालूम है ना, जब हमारे उलमा